क्रिएट यूनिट ऑफ मेजर, ये आपका काम क्या करता है कि आपका जो कंपनी है उस कंपनी में जो सामान रखा गया है जो आप माल बेचोगे वो किस कैटेगरी का है, पीस वाइज बेचते हो, किलो में बेचते हो, लीटर में बेचते हो, पैकेट में बेचते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा यूनिट, ठीक है। तो यूनिट बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको जाना पड़ेगा इन्वेंटरी इन्फो में, वहाँ मिलेगा आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑप्शन, वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर मिल जाएगा क्रिएट ऑप्शन, वहाँ पे क्लिक करके आप बना दीजिए, या फिर आपको मल्टीपल में जा करके इकट्ठा बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स, वहाँ पे आपको सिंबल, फॉर्मेट नेम और डेसिमल प्लेस इंटर दबा करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो चलिए बना देते हैं, कंपनी बंद हो गई, सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी, इंटर, अकाउंट इन्फो के नीचे आपको मिलेगा इन्वेंटरी इन्फो, इस पर क्लिक करेंगे, आएंगे नीचे आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, यहाँ मिल जाएगा सिंबल PIC, अगर आप पीस में बेचना चाहते तो PIC सिंबल लिखेंगे और नीचे आपका PICES फुल नेम, और यहाँ डेसिमल प्लेस आपका 0 रहेगा क्योंकि आप पैकेट को फाड़ के नहीं बेचेंगे, काट के, ठीक है, पूरा पैकेट बेचेंगे, ठीक है, तो 0 रहेगा। दूसरा आपका है PKT पैकेट, ठीक है, तो PACKET पैकेट डाल दीजिएगा, ये भी आपका 0 रहेगा। तीसरा आपका होगा किलोग्राम मान लेते हैं, KIKG, ठीक है, किलोग्राम हो गया आपका, इंटर दबाएंगे, इसमें आपका दसवां प्लस 3 डालेंगे, 100 ग्राम तक डाल सकते हैं, 3 क्योंकि 100 ग्राम में 3 अक्षर होगा, 100, है ना, तो आप 100 ग्राम तक बेच सकते हैं, या 500 ग्राम या 900 ग्राम, ठीक है, तो आपके इसलिए यहाँ 3 डाला जाएगा, अगर 2 डाल देंगे तो 10 ग्राम 5 ग्राम भी बेच सकते हैं, लेकिन आप उसमें मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर 3 डालेंगे, 1 किलो से ऊपर रहेगा, अगर 3 डालेंगे तो 1 किलो से ऊपर बेच सकते हो आप, 4 डालेंगे तो आपका क्विंटल से ऊपर रहेगा, तब 100 किलो से ऊपर, ठीक है, यहाँ पर 3 डाल कर रखिएगा, एक्सेप्ट, लीटर, लीटर में भी आपका 3, इंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे, ये आपके हो गए सिंबल, इसको कहते हैं यूनिट, ठीक है, देखना है आप डिस्प्ले में जा करके इसको देख सकते हैं, ये आपके बन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर कोई परिवर्तन करना है तो अल्टर में आकर किसी का बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। अब आपको अगला जो है इसके बाद, इफ़ यू वांट टू यूनिट लिस्ट, आपको देखना है तो डिस्प्ले ऑप्शन जाके देख सकते हैं, अगर परिवर्तन करना है, कुछ चेंजिंग करना है तो अल्टर में जाके आप चेंजिंग कर सकते हैं, बता चुके हैं। आगे आपका है क्रिएट स्टॉक आइटम, अब आपको स्टॉक आइटम बनाना है, आपको अपने टैली में क्या क्या सामान बेचते हो उसका लिस्ट बनाना है, ठीक है। लिस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, ओपन करेंगे इन्वेंटरी इन्फो, जाएंगे आपको स्टॉक आइटम पर क्लिक करेंगे, वहाँ मिलेगा आपको क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे और स्टॉक आइटम नेम डाल करके एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ऑल आइटम इंटर के दबाएंगे, नेम, आइटम ग्रुप और यूनिट सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि इन्वेंटरी इन्फो से लेकर के एक्सेप्ट कर अपना काम करना होगा। तो कहाँ जाना पड़ेगा बताया, इन्वेंटरी इन्फो में आना है, इंटर दबा देना है, यहाँ पर मिलेगा स्टॉक आइटम ऑप्शन, यहाँ मिलेगा आपको, दो तरीका है, एक तो इकट्ठा बनाना है तो नीचे वाला ऑप्शन है, एक करके बनाना है तो ऊपर वाला ऑप्शन है, तो मैं इकट्ठा बनाऊंगा, इस पर इंटर दबा देते हैं, यहाँ ले लेंगे ऑल आइटम, इंटर दबाएंगे और एक एक सामान का नाम बताओ, KEYBOARD कीबोर्ड, ठीक, इंटर दबाएंगे और यहाँ पर अंडर ग्रुप में ले लेंगे डेल कीबोर्ड को, कीबोर्ड में रखेंगे, यूनिट पीस में दिखता है, एक्सेप्टेड, यहाँ पर एक ओपन ऑप्शन है ओपनिंग क्वांटिटी, इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास पहले से कितना माल है, जैसे मान लीजिए आपको टैली ओपन किए हैं आज, आपका कंपनी चल रहा है 1.5 साल से, ठीक है, तो हमारे पास कितना पहले से रखा हुआ, अगर उसको आप ऐड करना चाहते हैं तो काउंट करके रखिए और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में डेल माउस हो गया, चाइना माउस हो गया, रैम हो गया,
क्या हो गए स्टॉक, 12 स्टॉक आपके हैं जी। में जाएंगे यहाँ पर देखेंगे आपके स्टॉक, यहाँ पर दिख जाएंगे आपके 14 स्टॉक आइटम है, ठीक है काउंट कर लीजिएगा। तो ये हमारे हो गए कंपनी में जो सामान बेचे जाएंगे उसका लिस्ट, ठीक है। और इसमें कोई परिवर्तन करना होगा तो अल्टर में जा करके आप इंटर दबाएंगे। आप मान लीजिए कोई स्पेलिंग गलत हो गया या नाम सही से नहीं लिख पाए हैं, ठीक है, या दो नाम एक जैसा हो गया, तो अल्टर में जा करके किसी भी का आप चेंज करना चाहते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर आप सिंपल माउस बदलना चाहते हैं, इंटर दबाएंगे कस्सी में से आ जाएगा, ठीक है आप बदल सकते हैं चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक। स्टॉक कार्ड में जो बनाया हो उसका लिस्ट देखना है तो डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हो, और कोई चेंजिंग करना है तो अल्टर में जाके इसको आप चेंजिंग कर सकते हैं।